प्रकाश कौन रेखा में जाएगी? प्रकाश की चाल बुझा किसमें? बोल दो, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण कितने प्रकार के? तीन प्रकार। कौन कौन? गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण। पूछेगा गोलीय दर्पण कई प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। बोल देगी प्रायिकता का अधिकतम मान? एक। न्यूनतम मान? जीरो। समघटना की प्रायिकता? एक। असंभव का? जीरो। बोल दो P बराबर फॉर्मूला। बोलो P बराबर और ये बोलो P बराबर एक पासा को फेंकेंगे कुल का घटना, एक सिक्का को फेंकेंगे तो। बोल दो द्विघात बहुपद का मानक रूप। बोलो एक प्लस चलो आगे बोलो कैसे सुनिया तो। और ये दर्शाएंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा। बोल दो बहुपद का घात पूर्ण संख्या। चलो अचर बहुपद का घात और शून्य बहुपद का घात। त्रिघात बहुपद का मानक रूप इसका क्या हल क्या सुनिया और जी दर्शाएंगे त्रिघात बहुपद का। बोल दो सूत्र त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और तीनों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा। चलो आगे बता दो पहली संख्या और फॉर्मूला और दूसरी संख्या बराबर पाई के बारे में बोलो। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका समीकरण मान 22/7 होता है। इसका cos r वर्ग है। बोलो परिमेय संख्या दशमलव निरूपण कई तरह से? दो। कौन कौन? शांत और अशांत आवर्त। शांत कब बोलेंगे? जब हर के गुणनखंड में दो और पांच। अशांत जब हर के गुणनखंड में दो और पांच ना। चलो आगे बता दो तुम निकाल दो उसका गुणनफल भी निकालो। आगे बताइए पूर्ण संख्या कहाँ है? पूर्ण संख्या कौन कौन? पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? पूर्णांक में क्या क्या रहेगा? अवतल दर्पण का उपयोग बोलिए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत या दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के आँख नाक गले इत्यादि के जांच में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दर्द चुनाई में। दूरियां कहाँ से मापेंगे? चलो आगे बोल दो रखेंगे वस्तु को अनंत पर प्रतिम कहाँ बनेगा? चलिए आगे बताइए दर्पण सूत्र का फॉर्मूला बोलिए। आर बराबर फॉर्मूला एफ बराबर आगे बता दो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होगा? अभाज्य भाज्य का क्या नाम और अभाज्य का अभाज्य का बोलो और भाज्य का दो परिमेय संख्या बीच में कई परिमेय संख्या आगे बता दो यूक्लिड विभाजन लघुत्तम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर किरण पुंज क्या कई प्रकार के तीनों का नाम बोलो तीनों का नाम बोलो। चलो आगे बताएगी क्या बताएगी कुछ
अजीब लास्ट तुम सोच को था ना, ये तभी गलती नहीं करना ठीक। त्रिघात बहुपद का सूत्र बोल दो खाली लास्ट ठीक है। x minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha beta gamma। हाँ, हो गया सर। और मुझे